हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था कि उनके पास 137 क्यूसिक पानी एक्स्ट्रा है, जो वो सरप्लस वाटर हरियाणा को रिलीज कर देंगे। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को एक डायरेक्शन दी थी, और यूआईआरबी को, अपरिवर यमुना बोर्ड को, भाई अपरिवर यमुना बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ आएंगे और उस पानी को मैयर करेंगे जो हिमाचल दिल्ली के लिए छोड़ेगा, और यदि वो पानी मिलता है तो उसको हरियाणा दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग वाटर के लिए छोड़ देगा। पर वो अपरिवर यमुना बोर्ड के मेंबर्स यहाँ 3 दिन रुके, पर ऐसा कोई भी हिमाचल ने पानी रिलीज नहीं किया जो कि पोंटा साहिब पे हरियाणा को एक्स्ट्रा सप्लाई मिलता। और उसकी रिपोर्ट मेरे ख्याल से आज अपरिवर यमुना बोर्ड ने, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की डेट भी थी, शायद उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट ये दी थी। तो मतलब मान के चला जाए कि हिमाचल जो है अब दिल्ली को पानी नहीं देगा। नहीं देखिए, हिमाचल दिल्ली को देगा नहीं देगा तो उसके बारे में मैं नहीं कोई स्टेटमेंट दे सकता, पर हिमाचल ने जो दिल्ली को पानी देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था, एफिडेविट दिया जी था, उसके बारे में मैंने आपको अपनी पोजीशन क्लियर कर दी हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा को हिमाचल की तरफ से कोई 137 क्यूसिक पानी एक्स्ट्रा नहीं मिला। सर, अपने बैराज की अगर बात करें तो यहाँ से दिल्ली की तरफ कितना पानी जो है फिलहाल यूज किया जा रहा है। देखिए, हथनी कुंड बैराज एक कंट्रोल पॉइंट है, जो डाक पर से बैराज से इधर से जो ऊपर से पानी आता है हमारे पास, हम यहाँ से पानी मूनक हेड के लिए छोड़ते हैं डब्ल्यूजेसी के थ्रू, जो कि करनाल सर्कल के अंदर पड़ता है। उसके बाद वहाँ से सीएलसी है और पीडी ब्रांच है, उसके थ्रू दिल्ली को पानी जाता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन तो आपको करनाल सर्कल से मिल सकती है, जो एससी करनाल है। यहाँ पे फिर कितना पानी चल रहा है फिलहाल? यदि हम आज की बात करें, अभी का सिनेरियो, क्योंकि डेली पानी दोपहर में घटना शुरू हो जाता है और रात में पानी बढ़ता है, तो हाँ, यदि मैं अभी की बात करूं, समय अबव टोटल पानी इस समय का 12 बजे का 2497 क्यूसिक टोटल पानी है, जो कि 352 क्यूसिक हमें रिवर में छोड़ना पड़ता है एनजीटी की गाइडलाइंस के हिसाब से। उसको छोड़ने के बाद 1842 पानी हमारा वेस्टर्न जमुना कैनाल में चल रहा है, जो हरियाणा की शेयर के लिए है, और 303 पानी ईस्टर्न जमुना कैनाल में चल रहा है, जो यूपी के शेयर में, जो अभी की करंट 12 बजे की बात है। मैं ये जो पानी है, यदि हम पिछले सालों का हिसाब लगाएंगे तो उसके कंपैरेटिव में यह इन दिनों में पानी की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है और पानी बारिशों से पहले थोड़ी कमी रहती है। तो यदि हम पिछले साल का कंपैरिजन लगाएंगे तो 8-10% प्लस माइनस से पानी उसी रेशो में चल रहा है। अभी जो पानी की हथनीकुंड बैराज पे जो पोजीशन है, अभी 20 तारीख के बाद में पोजीशन सुधरने शुरू हो जाएगी।